हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। तो यार, काफ़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका योविच एंड रियल मैड्रिड इन जनरल, न्यूज़ बहुत सारी है। सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करते हैं। तो रियल मैड्रिड, मार्सा, डियोरिया सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि यार, रियल मैड्रिड चाहती है कि प्लेयर्स की सेल्स होए और कुछ प्लेयर्स लोन पर जाए, ताकि स्क्वाड थोड़ी फ्री अप होए एंड उसके चक्कर में और साइनिंग्स हो सकें। तो काफ़ी मैड्रिड फैंस इस बात की टेंशन पे थे कि क्या रियल मैड्रिड और साइनिंग नहीं कर पाएगी। आई हैव दी आंसर दैट रियल मैड्रिड देखो, हमने दो साइनिंग्स ऑलरेडी कर दी है, चुएमानी और रूडिगर की। अभी वी कैन टेक अ स्मॉल हॉल्ट जहाँ पे हम सेल्स पे फोकस कर सकते हैं। डानी सबायोस मोस्टली नहीं जाएंगे, बिकॉज रियल बेटिस ही एक क्लब है जहाँ पे जो चाहती है डानी सबायोस को, एंड रियल बेटिस सिर्फ 3 मिलियन ऑफर कर सकती है फॉर डानी सबायोस। ये क्लियरली लालीगा की कहीं ना कहीं स्थिति दर्शाता है, बिकॉज यार, रियल बेटिस इज अ बिग क्लब इन लालीगा, नॉट द बिगेस्ट क्लब लाइक बार्सिलोना और रियल मैड्रिड या फिर एथलेटिको फॉर दैट मैटर, बट इट इज़ अ बिग थिंग भाई। जो फुटबॉल वो खेलते हैं, जो प्लेयर्स उनके पास करेंटली हैं, नबील फकीर हैं उनके पास कनालिस है, एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है और अच्छे हैं। यार, सिर्फ 3 मिलियन फॉर अ प्लेयर, दैट टू फॉर डैनी सबायोस, भाई कहीं ना कहीं दिखाता है कि लालीगा फाइनेंशियली स्पीकिंग प्रीमियर लीग से काफ़ी काफ़ी दूर है, एंड दैट इज समथिंग विच लालीगा हैज़ टू लुक इनटू इट। हावियर थेबास हैज़ टू लुक इनटू। एनीवेज, वो हटा के तो डैनी सबायोस मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे। अभी बेसिकली उनको लोन किया जा सकता है रियल बेटिस के लिए, बट आई रियली डाउट अगर डैनी सबायोस बिकेंगे ये सीजन ट्रांसफर विंडो में, बिकॉज 3 मिलियन तो रियल मैड्रिड एक्सपेक्ट करने नहीं वाली है। रियल मैड्रिड एटलीस्ट 15-20 मिलियन चाहती है उनके लिए, एंड उससे कम में वो जानने भी नहीं वाली। आगे जाके बात करते हैं करीम बेंजेमा की। तो यार, करीम बेंजेमा का ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। 2024 तक वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाने वाले हैं विद रियल मैड्रिड, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड फैंस, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट करीम बेंजेमा हैड द बेस्ट सीजन ऑफ हिज लाइफ, एंड प्रॉबली ये सीजन भी वो 50 गोल्स हमको दे सकते हैं। एंड करीम बेंजेमा इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, तो उनको रिटेन तो हमें करना ही करना था। बेसिकली करीम बेंजेमा का स्पॉट, जो कि एक स्ट्राइकर का स्पॉट है, वी डोंट नीड टू बी फोकस ऑन इट इन दीज 2 ईयर्स, या फिर एक साल बाद जब ट्रांसफर मार्केट खुलेगा तब शायद से आप किसी की पॉसिबिलिटी देख सकते हो, या फिर 2024 में आप उसको एक और साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हो 2025 तक, एंड उसके बाद आप अर्लिंग हॉलैंड को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज 3 ईयर्स बाद अर्लिंग हॉलैंड कैन बी परस्यूड बाई मेनी क्लब्स। एंड कहीं ना कहीं उसका प्लान भी ऐसा ही है कि यार, वो 3 साल रुक जाए, ऑल्दो उसने एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद मैनचेस्टर सिटी। एनीवेज, अब रोनाल्डो पे आते हैं। तो न्यूज़ ये निकल कर आ रही है दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नॉट कन्विंस्ड विद द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लानिंग आउट देयर समर। इतना खराब उनका सीजन रहा है, एंड उसके बावजूद वो इंटरेस्टेड एफसी ही रही है। उन्होंने कोई प्लेयर को देखा ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, एंड दे आरंट अनएबल टू पुल एनी मूव्स। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अप्रोच से काफ़ी काफ़ी परेशान है, एंड उसने क्लियरली अपने एजेंट होरे मेंडेस को बोल दिया है दैट आपको मेरे लिए नए नवेले क्लब देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे रुकने नहीं चाहता। अभी यार, एरिक टेन हैग भी उसको कन्विंस नहीं कर पाया फॉर दिस, बिकॉज यार, ये कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिथार्जिक अप्रोच को ही दिखाता है। यार, उनकी बोर्ड ने कुछ करा ही नहीं है। बस टोनी के लिए थोड़ा बहुत उन लोगों ने कोशिश कर लिया, आस्किंग प्राइस जान लिया, उससे नहीं काम चलता। हुलियन टिम्बर अब ऑफ हो गया, ऑफ इन द सेंस कि वो मूव ऑफ हो गया, तो यार ये सही नहीं है ना, ये क्लब फिर राइट डायरेक्शन में जा नहीं रहा। तो ये है, अब वापस रियल मैड्रिड के ऊपर आते हैं, एंड फिर उसके बाद वापस क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे टचअप करूंगा मैं। तो रियल मैड्रिड सेल्स पे देखने वाली है, तो मेरे हिसाब से यार, मार्को असेंसियो इज प्रोबेबली द प्लेयर यू कैन सेल, एंड 40-45 मिलियन आप ला सकते हो उस प्लेयर के लिए, तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट भी होगा। तो इट विल क्लियरली यू नो, कहीं ना कहीं हेल्प यू रिकूप द मनी यू हैव लॉस्ट फ्रॉम ऑरेलियो च्युएमानी। तो आप डेफिनेटली मार्को असेंसियो को सेल कर सकते हो, एंड कहीं ना कहीं मैं तो चाहता भी वो सेल हो जाए, बिकॉज यार, ट्रांजिशंस में, बिल्डअप में ही इज़ नॉट दैट गुड, वो उतने क्विक नहीं है, उतने इफेक्टिव भी नहीं है। मैंने काफ़ी पहले भी ये बात बहुत बार दर्शाई है, काफ़ी बार मैंने आपको कहा भी है कि ऐसा है उसके साथ। अगर मैं और चीज़ों के ऊपर बात करूँ, तो यार, रियल मैड्रिड लुका योविच को लोन पे जाने दे रही है, एंड लटासा कुड बी और सेकेंड चॉइस स्ट्राइकर। मारियानो नहीं चाहते कि वो जाए, एंड मारियानो वांट्स टू स्टे एट रियल मैड्रिड। अब मैं तो चाहूँगी मारियानो जाए, जहाँ भी वो जा रहा है थोड़ा गेम टाइम उसको मिले, थोड़ा सा उसका फॉर्म इंप्रूव हुए, एंड जैसा लियोन में हमने उसको देखा था, जहाँ पे उसने आई थिंक 16-17 गोल्स मारे थे, वैसा हमें उसको देखने को मिले। क्योंकि करंट जो वो बैठा रहता, टाइम पास करता, बास्केटबॉल खेलता ना, वो अच्छा तो है नहीं फॉर एनी मैड्रिड प्लेयर फॉर दैट मैटर। कोई मैड्रिड प्लेयर ऐसा बास्केटबॉल खेलते देखे, अपने करियर के बारे में वरीड भी नहीं है, शुड नॉट बी एट रियल मैड्रिड इन माय ओपिनियन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो
फॉर मी मारियानो ऑल्सो हैज टू गो एंड लताशा इज योर सेकंड चॉइस स्ट्राइकर। कमिंग बैक टू द बेंजेमा रिप्लेसमेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस, अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आगे जाके कुछ टाइम में फ्लोरेंटिनो पेरेस बेंजेमा की रिप्लेसमेंट को लाएंगे, ऑल्दो वो रिप्लेसमेंट जो उसकी होगी दैट वोंट मीन कि बेंजेमा बेंच पे रहेंगे, बट वो रिप्लेसमेंट लॉन्ग टर्म की होगी, फ्यूचर की होगी। तो अब देखना पड़ेगा कौन सा स्ट्राइकर रियल मैड्रिड टारगेट करती है, बिकॉज डार्विन नूनेज जा चुका है, अर्लिंग हॉलैंड सिटी में है, एंड कोई टॉप स्ट्राइकर अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में फॉर द नेक्स्ट वन ईयर इन माई ओपिनियन। तो यार देखना पड़ेगा, दो साल बाद ही मेरे हिसाब से लगता है कि हम एक स्ट्राइकर को टारगेट कर पाएंगे, उससे पहले इन माई ओपिनियन वी जस्ट कैन नॉट गो फॉर अ स्ट्राइकर। एंड रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड, इससे पहले आप लोग सोच भी लो, ऐसा नहीं हो सकता। होर्गे मेंदेस ट्राई भी कर ले तभी भी रियल मैड्रिड उसको वापस नहीं लाएगी, क्योंकि वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम रोनाल्डो। यार रोनाल्डो के बिना हम दो ला लीगा और एक चैंपियंस लीग जीत गए, इट इज़ ग्रेट। ऑल्दो एज अ फैन आई वुड आई मिस हिम, आई वुड टेक हिम बैक, बट कहीं ना कहीं वो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट को हैम्पर करेगा, वो विनीसियस रोड्रिगो जैसे यंगस्टर्स को हैम्पर करेगा, एंड उसके चक्कर में आई डोंट वॉन्ट हिम एट रियल मैड्रिड सैडली। तो आई थिंक जो मेरे को लाइक सूटेबल डेस्टिनेशन लग रही है वो प्रॉबेबली PSG या बायर्न म्यूनिख की होगी। उसके अलावा आई रियली डाउट अगर कोई क्लब बचता है, स्पोर्टिंग लिस्बन है एंड अमेरिकन ऑफर्स है, बट आई रियली डाउट अगर वो चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के कहीं और जाना चाहेगा तो PSG बचेगा और बायर्न। PSG भी क्या भाई, अब ही मस्ट नॉट बी नेम्ड तो भाई रुक गया ना PSG में, तो वो भी अब नहीं बचता है। बायर्न म्यूनिख किया है, बायर्न म्यूनिख ने सादियो माने साइन कर लिया, तो क्लियरली देखना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव टू सी, बिकॉज मेरे हिसाब से स्टिल फेक र्यूमर्स है, बिकॉज यार कोई लाइकेबल ऑप्शन है ही नहीं किसी टीम को, अब स्ट्राइकर की जरूरत है ही नहीं। जिनको चाहिए था वो एक यंग स्ट्राइकर को ले आए हैं अपनी टीम में, लिवरपूल और सिटी को देख लो आप, तो वही है हर जगह स्ट्राइकर्स गए हुए हैं। तो रोनाल्डो यार हैज टू स्टे मैन यूनाइटेड, ही डज नॉट हैव एनी ऑप्शन। कोई क्लब 38 ईयर ओल्ड प्लेयर को तो टारगेट करेगा ही नहीं ना, तो ही हैज टू स्टे भाई। एक और साल बेचारा उसका करियर अपना सड़ाएगा यूनाइटेड में, क्योंकि यूनाइटेड कोई साइनिंग्स कर नहीं पाएगी, कुछ डिलीवर करेगी नहीं, फिर से यूरोपा लीग के स्ट्रगल जाए उनके, और कुछ नहीं। हेट टू से इट यार, बट ये क्लब गिर रहा है ये क्लब, तो और कुछ कह नहीं सकता, रोनाल्डो के लिए बुरा लगता है। एनीवेज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, एक बहुत ब्रीफ वीडियो, मैं एक दूसरे वीडियो पर भी काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए, यू विल लव दैट वीडियो। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना नहीं भूलना, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सी यू टुमारो, हाला माद्रिद इनादा मास सू।